हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटी टेन एंड टेक्नोलॉजी पीजीडीसी और डीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट नंबर 5th का है। ओके, और मैं सारे सब्जेक्ट चाहे वो डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, डीसीए सेकेंड सेमेस्टर हो, सभी विषय की मैंने आपको वीडियो बनाकर रखा है अपने चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और एक एक करके सारी वीडियो आपको वॉच करना है। सारी वीडियो आपको बहुत ही सुटेबल तरीके से बताया हूं। ओके, तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। क्या बात करेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। यदि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार की बात करता हूं तो क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। पहला जो होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट के आधार पर, डिप्लॉयमेंट के आधार पर, डिप्लॉयमेंट के आधार पर पहला होता है। और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी क्लाउड के द्वारा, क्लाउड के द्वारा प्रदान की गई सर्विस। ये जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब जो डिप्लॉयमेंट के आधार पर होता है ये होती है हमारी चार प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रकार जो हमारा होता है वो होता है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग। जो हमारा तीसरा प्रकार होता है वो होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तीसरा टाइप होता है। और जो चौथा टाइप होता है वो होता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये चार प्रकार की किसके आधार पर होती है? डिप्लॉयमेंट के आधार पर होती है, राइट। इसके बाद करता हूं क्लाउड के द्वारा प्रदान की गई सर्विस। तो क्लाउड के द्वारा जो प्रदान की गई सर्विस होती है वो होती है हमारी तीन प्रकार की। थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी लिखना पड़ेगा। तो तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? पहला होता है आस। आस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, इसके बाद जो पास होता है, पी ए पास, पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है अपना सास का। सास का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज आर सर्विस। ये हमारा पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का स्ट्रक्चर है। पहले तो मैं आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति तक हम इंटरनेट के जरिए कोई भी सेवा प्रदान कर सकते हैं, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। सेवा कुछ भी प्रकार की हो सकती है, सॉफ्टवेयर के रूप में, हार्डवेयर के रूप में, राइट। अब यहां से डिप्लॉयमेंट के आधार की बात करते हैं तो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ऐसी कंप्यूटिंग जिसमें हमारा डेटा एकदम सिक्योर रहता है, प्राइवेट होता है, जिसमें हमको ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करते हैं गूगल फोटो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब हमारे मोबाइल के द्वारा कोई फोटो डिलीट कर दी जाती है, फिर हम इसको दोबारा फोटो लाते हैं, रिस्टोर करते हैं, तो ये गूगल फोटो में डिलीट की हुई फोटो हमको मिल जाती है। ओके, तो इस प्रकार की कंप्यूटिंग को क्या बोला जाता है? प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। या फिर हम बोलेंगे फेसबुक में जो हमारा डेटा या फोटो अपलोड होती है वो भी एक प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है।
बात करते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो ऐसी कंप्यूटिंग जिसमें हमारा डेटा या किसी भी प्रकार के डेटा को हम बगैर पासवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका एग्जांपल होगा हमारा ईबुक। ईबुक डाउनलोड मतलब हम इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार की इंटरनेट में जो बुक होती है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड जब हम करेंगे तो एक्सेस करेंगे, किसी प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है और हम उसको आसानी से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसी कंप्यूटिंग जो हम एक प्रकार से सुरक्षित तो रहती है लेकिन वह समूह में काम करती है। इसका एग्जाम्पल स्कूलों में यूज की जाने वाली क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉलेजों में यूज की जाने वाली क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। बात करते हैं हाइब्रिड कार क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग जो कुछ चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और कुछ चीजें हमको क्या पेड सर्विस मिलती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसमें यदि आप देखोगे तो कुछ डेमो क्लास आपको क्या मैं बोला कुछ डेमो क्लास आपको फ्री मिलेंगी और कुछ डेमो क्लास में आपका रहेगा पेड कोर्स, ठीक है ना। दो चीजें आपको मिलती हैं हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग में, ऐसी का क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें हमें कुछ मटेरियल फ्री मिलता है और कुछ मटेरियल का यूज करने के लिए पेड पैसे देने की आवश्यकता होती है, ऐसी कंप्यूटिंग हाइब्रिड कंप्यूटिंग कहलाती है। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटिंग में हम प्राइवेट उसमें प्राइवेट भी रहता है और पब्लिक भी रहता है, जब दोनों को एक साथ कर दिया जाता है तो वो बन जाती है हमारी क्या हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग बन जाती है, राइट। इसके बाद आता है क्लाउड के आधार पर प्रदान की जाने वाली सर्विस, इसमें तीन प्रकार की होती हैं, आस पास और सास। आस में क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सास में क्या होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्लाउड के द्वारा आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इसको कैसे यूज करना है कंट्रोल करना है, इस प्रकार को बोलते हैं हम आस। और बात करते हैं पास, पास में क्या होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म में होता क्या है कि आपको बता दिया जाएगा कि जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करने वाले हैं वो किस प्रकार के प्लेटफॉर्म में यूज करने वाले हैं, जैसे गूगल फोटो हुआ, जीमेल हुआ, ये सब किस में जाएंगे हमारे पास में जाएंगे। इसके बाद आता है सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें क्या होता है इसमें जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है हम सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी भी सर्विस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारा सास, राइट। तो मेरे को लगा कि आपको मैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से बताया है। अगली वीडियो में लेके आऊंगा एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।